नमस्कार, ओम शांति। वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहां पे हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं, उसके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में है ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ऋतु जी, हमारा जो थीम चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो आज का भी सवाल उसी के रिगार्डिंग है, उसी से रिलेटेड है। तो हमारी एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, जिन्होंने ये पूछा है, इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब ग्रुप एक्टिविटीज़ ज़्यादातर कॉलेज में इस तरीके से होता है कि मिलजुल कर हमें कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, कोई ग्रुप एक्टिविटी करनी है जिसमें हर एक का रोल होना ही चाहिए, हर एक को अपना व्यू पॉइंट रखना है, अपने आइडियाज़ भी पेश करने हैं, एंड देन यू नो एवरीबडी कैन डिस्कस कि कौन सा वाला आइडिया लेना है या मिलजुल कर करें। लेकिन कुछ उसमें ऐसे होते हैं जो कोई मेहनत नहीं करेंगे, यू नो उसमें कुछ होंगे सिंसियर कि जो पूरी अपनी एफर्ट्स लगाएंगे, अच्छे आइडियाज निकालेंगे, अपना दिमाग जितना जितना दिमाग को यूज करेंगे उतना उतना वो बढ़ता है ना। लेकिन कई होते हैं, आजकल तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, सब इंटरनेट से आप ये उठा लो, यहाँ से ये उठा लो और उसको कंपाइल करके एंड वी आर डन। ये जो हो रहा है, इनको ये प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन ये है कि इनको ये इश्यू है कि अगर वो ऐसा करते हैं जी, ये खुद तो बहुत मेहनत करती हैं, हाँ जी, लेकिन इनको इश्यू है कि सामने वाला अगर ये कर नहीं रहा है मेहनत, तो आगे उनकी ग्रोथ कैसी हो जाएगी। शी इज जस्ट कंसर्न्ड, आई मीन इट्स नॉट अ वेरी बिग इश्यू विद हर, शी इज जस्ट अ वेरी सीम्स टू बी अ वेरी नाइस पर्सन, जो दूसरों के बारे में ये चिंता कर रही है कि उनका क्या होगा अगर वो नहीं। और वो जब बताती है उनको कि यू शुड बी वर्किंग ऑन दिस, खुद भी मेहनत करो ना, नहीं तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी, हाँ, लेकिन दे आर नॉट बॉदर्ड। तो इस सिचुएशन में हाँ, आप क्या बोलेंगे? सो यस, जैसे आपने कहा कि ये बच्ची खुद अपना एफर्ट तो कर ही रही है, साथ में औरों के लिए भी चाहती है, तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट द चाइल्ड और द यूथ जिनकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ में समथिंग विच इज इन आर कंट्रोल, वो है जो हम करते हैं, आर ओन एक्शन, राइट राइट। तो गुड थिंग इज कि वो खुद अपने पे काम कर रही हैं, अपनी यू नो हार्डवर्क कर रही हैं। नाउ द सेकेंड एस्पेक्ट कि वो चाहते हैं कि और भी करें, तो समवेयर आई एज एन इंडिविजुअल नीड टू अंडरस्टैंड कि और जो करते हैं या नहीं करते हैं इज नॉट इन माई कंट्रोल, बट इज समथिंग दैट आई कैन इंस्पायर थ्रू माई एक्शन। ओके, सो वन इज व्हाट आई डू विच इज इन माई कंट्रोल, और दूसरा है मैं अपने एक्शंस के द्वारा कैसे औरों को इंस्पायर कर सकती हूँ टू डू द राइट थिंग। अब सपोज मैंने पार्टिसिपेट किया या मैंने किसी यू नो एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उससे जो मैंने सीखा एंड हाउ डिड इट हेल्प मी, यू नो अगर वो एस्पेक्ट निकल के आता है क्लास में, इफ़ द टीचर्स ऑल्सो इंस्पायर कि अच्छा देखो इन्होंने ये पार्टिसिपेट किया या ये कॉन्ट्रीब्यूशन किया, ये इनका लर्निंग था, या वैसा एनवायरनमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम औरों को भी इंस्पायर करें। उस एक स्टूडेंट के एग्जाम्पल से हम औरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि वो भी यू नो अपना हार्डवर्क करना शुरू करें। सो वॉट आर वी डूइंग इज वॉट इज़ इन माई कंट्रोल इज़ वॉट आई कैन डू एंड हाउ आई वर्क अपॉन माई सेल्फ, वो मेरे कंट्रोल में है तो वो तो हम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट कर रहे हैं। नाउ द सेकंड एस्पेक्ट जो कंट्रोल में है ही नहीं, तो आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, आप उन्हें कन्वे कर सकते हैं, लेकिन वो करें या नहीं करें वो फिर ये उनके माइंडसेट पर डिपेंड करता अच्छा। है जैसे एक हो गया यू नो फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट में हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते, हम बहुत ज्यादा सीखना नहीं चाहते हैं, जो इजी चीजें हैं बस हम वो कर लिए और हमको हमें लगता है कि हम ठीक है, यू नो वी आर फाइन, मतलब प्रोजेक्ट तो कर दिया, असाइनमेंट तो सबमिट कर दिया, बट हम उतनी मेहनत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट है कि ठीक है, वॉट एवर आई नो, वॉट एवर आई लर्न इज गुड इनफ फॉर मी। ओके, तो ये एक माइंडसेट हो गया। दूसरा माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या है, जहाँ पे आई एम विलिंग टू पुट एन एफर्ट। क्यों? बिकॉज मैं सीखना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में यू नो इन चीज़ों को और भी अपने लिए सीखना चाहता हूँ, बेसिकली दैट्स अ ग्रोथ माइंडसेट। अब ये स्टूडेंट जो है इनका ग्रोथ माइंडसेट है, ये अपने माइंडसेट से औरों को इंस्पायर कर सकते हैं जिनका हो सकता है फिक्स्ड माइंडसेट हो, लेकिन वो और स्टूडेंट को भी फिर अपने लिए चूज करना है इफ दे वांट टू कंटिन्यू टू लिव इन फिक्स्ड माइंडसेट या दे वांट टू यू नो ट्रांजिट या एक ट्रांजिशन करना चाहते हैं टू अ ग्रोथ माइंडसेट। ओके, ग्रोथ माइंडसेट के लिए कहीं ना कहीं अपने साथ भी काम करना जरूरी है। बिल्कुल।
अगर मुझे कोई कहता भी है कि आज यू नो ऋतु जी आप ये चेंज कर दीजिए, सडनली वुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू चेंज? मे बी नॉट. इट विल टेक सम टाइम. इवन इफ दैट रियलाइजेशन कम्स कि मुझे सीखना है, जैसे मैं कई स्टूडेंट्स में ये भी देखती हूँ कि वो सीखना चाहते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या सीखूं और कैसे सीखूं. ओके. वो भी उन्हें एक डाउट या यू नो एक क्लैरिटी नहीं होती अपने लिए. सो समवेयर यू पुट अक्रॉस योर व्यू, आप उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं, बट ईच इंडिविजुअल इज ऑन देयर ओन जर्नी ऑफ लर्निंग, है ना. वो अपनी जर्नी पर है और वो अपनी जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं और यू नो जो उनके अनुभव है उसके आधार पे वो प्रेजेंट में अपने में कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ ना कुछ एफर्ट कर पाएंगे, ये भी समझना. तो एक तो है अपनी इनर जर्नी पे, जो स्टूडेंट्स नहीं भी करते हैं, क्या हम अपने को किसी एक नई चीज के लिए चैलेंज कर सकते हैं, कुछ एक नया सीखने के लिए चैलेंज करें कि नहीं लेट मी लर्न समथिंग न्यू, चाहे वो मेरी अपनी पर्सनैलिटी की बात है या मुझे किसी एक स्किल की बात है, क्या मैं अपने को चैलेंज कर सकता हूँ कि मैं आज ये नई चीज सीखूंगा. That's the way you bring about that growth mindset. अपने में वो broader perspective कि अच्छा ये चीज में work for me, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए अपने साथ काम करने की. So then you move to growth mindset. तो ये तो उनके लिए हो गया जो fixed वाले mindset में हैं अभी. और जो जैसे एक example मुझे आपकी बात सुनते ये याद आया, मेरी बेटी है 9th standard में है, उसका भी ये issue रहता है. वो कहती है जब सब साथ में काम करते हैं तो सबको मेहनत करनी है मम्मा, तो वाई कि हम एक दो ही लोग ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, सब लोग नहीं करते. उसकी हमेशा ये रहती है कंप्लेन. तो मैं यही समझाती हूँ कि आप अपनी तरफ से डू योर बेस्ट और आपको देखकर, जैसे आपने वही बात कही कि आप बिकम एन इंस्पिरेशन. हम दूसरों को बदल नहीं सकते, हम उनको कन्वे कर सकते हैं, है ना. यही आप कह रहे हैं कि अपनी बात रखें कि व्हाट यू शुड डू, लेकिन उससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना ही करें, फिर आगे उनके ऊपर है. राइट. थैंक यू सो मच ऋतु जी. आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा. तो आपके कोई सवाल हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं. तब तक लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट. थैंक यू. ओम शांति.